क्लास सेवेंथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13, क्योंकि मैंने कॉमिक पोर्शन करा दिया है। अब इसके बाद आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन पर। डाटा इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी डाटा को समझना, व्हाट इज डाटा एग्जैक्टली। तो डाटा को अगर आपको समझना है तो एक छोटी सी डेफिनेशन डाटा की है कि डाटा इज अ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, तो डाटा का मतलब है कि इंफॉर्मेशन है न्यूमेरिकल टर्म्स में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में वो हमारे काम की होनी चाहिए, और जो क्वालिटीज होती हैं उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं ले सकते हम, क्वालिटीज को छोड़ के। जब किसी का कैरेक्टर या क्वालिटीज को आप डाटा में कर तो सकते हैं डिफाइन, उसको नंबर देके कर सकते हैं, लेकिन उसे डाटा नहीं कहते। डाटा सिंपली कहा जाता है कि जिन चीजों का को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते ही हैं, उनको न्यूमेरिकली ही एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे किसी वेट ऑफ अ स्टूडेंट, एज ऑफ अ स्टूडेंट, एज ऑफ, इस तरह से आप स्टूडेंट्स का नहीं, आप किसी ग्रुप में कलेक्शन ऑफ जो ग्रुप हो, एक ग्रुप के अंदर सभी की एज, या एक ग्रुप के अंदर किसी सभी की हाइट, या एक ग्रुप के अंदर सभी की एजुकेशन, इस तरह हाइट और एज ले सकते हैं और वेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप हैं इनको हम लिखते ही न्यूमेरिकली हैं। तो जिस डाटा को आप न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और एप्रोप्रिएट रहेगा उसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट करना, उसको हम, उस इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं। अब कलेक्शन ऑफ, सबसे पहले क्या होता है कि डाटा को कलेक्ट करता है कोई ना कोई, यानी कोई ना कोई डाटा को कलेक्ट करता है। पहले आप डाटा कलेक्ट करेंगे, यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर सिंपली एक ही ऑब्जर्वेशन है, आपने एक चीज नोट की है कहीं, तो वो डाटा नहीं है। डाटा है कई सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, यानी अगर आपको वेट एक पर्सन का दिया जाए तो वो डाटा नहीं है, अगर कई सारे लोगों का वेट होगा तो वो एक डाटा हो सकता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब, जैसे ये एग्जांपल दिया है कि सिटी में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, तो दिल्ली के अंदर 38.7 डिग्री सेल्सियस मिनिमम मैक्सिमम एंड 26.9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, ऐसे ही मुंबई में 30.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 25.2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, कोलकाता 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम 26.2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, एंड चेन्नई 40.3 डिग्री सेल्सियस एंड 30.6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। तो ये जो टेम्परेचर्स दिए हैं हमारे चार मेट्रोपॉलिटन्स के दिए हुए हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के चारों के दिए हुए हैं, तो ये डाटा बन गया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन एक डाटा है। ठीक है, क्योंकि इसे हम न्यूमेरिकली ही लिख सकते हैं, न्यूमेरिकली ही प्रेजेंट करते हैं, तो ये एक डाटा है और इसको हम कुछ कई पर्पज से यूज कर सकते हैं। वेदर डिपार्टमेंट इसको यूज कर सकता है, एक्चुअली वो बनाते ही इसीलिए हैं, और हमें वेदर का भी आइडिया हो जाता है अगर हमारे पास पूरी साल का इस तरह का पूरा डाटा हो किसी पर्टिकुलर सिटी का या कई सारी सिटीज का, तो हम बहुत सारे रिजल्ट्स उससे निकालते हैं। दूसरा, अब ये तो इन्होंने सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है, लेकिन अगर जो प्राइमरीली डाटा लिया जाता है उसे रॉ डाटा कहते हैं। रॉ डाटा का मतलब है कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन जहां से जो मिलती है वो नोट करते चले जाते हैं, फिर उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तरीके से लगाते हैं उसको, कैसे उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं पहले। ठीक है, जैसे रोल नंबर्स, नेम और वेट, यानी कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर वेट इस तरह से दिए हुए यहां पर, गुरप्रीत, प्रीति, स्वाति, इस तरह से हमें जिसका जो वेट मिलता गया हम लिखते गए, 25, 20, 19, 21, 30। तो एक हमने रैंडमली जो भी हमारे सामने आ गया हमने उसका वेट लिया और यहां पर नोट कर लिया। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स के हमने वेट यहां पर लिख लिया और उनके एक सीक्वेंस में नाम भी लिख लिए, फिर उसको हमने यहां लिखा रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये वेट आ गए उनके और ये उनके नेम आ गए। ठीक है, लेकिन अब हम लिखेंगे वेट्स को किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे कम वाला ऊपर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड लास्ट में सबसे ज्यादा वेट वाला बंदा, यानी राजेश 30 kg ये रहेगा, और मिनिमम करीना का है 18 kg। ठीक है, तो हम डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाते हैं, रखते हैं,
एक असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि पहले जो डाटा था, जो ये वाला डाटा था, ये रॉ डाटा है जो हमने पहले कलेक्ट किया, फिर इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा, यानी डाटा कलेक्शन होता है फिर उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, है ना। अब आ जाते हैं आगे, देखें जब ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है तो हम इस तरह की टेबल भी उसकी बना लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एब्सेंटीज जैसे ये दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ डेज, कब कब कितने दिन ये एब्सेंट रहे, वो यहां लिखा हुआ है। तो इसके बीच में टैली मार्क्स भी आ जाते हैं। टैली मार्क्स का मतलब होता है कि जैसे यहां पर 2 आ रहा है तो हम दो लाइंस कर देंगे इस तरह की वर्टिकल, यहां पर भी 2, यहां 3 हो गया, यहां 4 हो गया। जब 6 होगा तो हम 5-5 के बंचेस में बनाने शुरू कर देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, फिर एक आगे आ जाएगा। अगर यहां पर सपोज 10 हो तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 बंच बन जाएंगे। तो इस तरह से फिर प्रेजेंटेशन में हम टेलीमार्क्स को भी बढ़ा लेते हैं। तो ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक तरीका है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि हम एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने स्केल रखा हुआ कि एक एप्पल का फोटो ले लिया, और ये एक एप्पल का जो पिक्चर है ये दैट विल बी इक्वल टू 50 एप्पल्स। तो जैसे मंडे को 3 एप्पल बने हुए हैं और 1 एप्पल इज अमाउंट टू 50 इज इक्वल टू 50 एप्पल्स, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 50 एप्पल्स, तो 1, 2, 3, 150 एप्पल्स टोटल हो जाएंगे मंडे को, बिके, सोल्ड हो गए, ठीक है। अगर इसका हाफ है तो ये 25 होगा, तो 1, 2, 3, 4, 4 का मतलब 200 हो गया, 225 एप्पल्स विल बी सोल्ड ऑन ट्यूजडे, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा डाटा अरेंज करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम पूरा डाटा अरेंज करते हैं, देखें। इसके अलावा बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ में डेज ऑफ वीक और नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड, वही वाला डाटा हम इसमें करेंगे। मंडे को कितने एप्पल्स थे, 150, तो यहां तक ये बार चला जाएगा। ये 225 थे ट्यूसडे को, वेंसडे को ये 175 थे, थर्सडे को ये 250 थे, फ्राइडे को, तो इस तरह से ये बार्स शो कर देती हैं किस दिन कितना सेल हुई, और इसे देख के हम आइडिया लगा लेते हैं किस दिन सबसे ज्यादा सेल हुई, किस दिन सबसे कम सेल हुई, ठीक है। उसके अलावा डबल बार ग्राफ, ये होता है कंपैरिजन के लिए। भाई दो अगर सपोज ये एप्पल्स दो लोग बेच रहे हैं तो किसने ज्यादा बेच लिए, वो हम पर डे का सेल है। सपोज ये तो मुझे पता नहीं है किसका डाटा है, लेकिन अगर हम इसको इसी तरह से लें कि दो जो दो शॉप्स हैं उनका डाटा ले लें कि एक एप्पल इतने बेच रही है, दूसरे इतने बेच रही है, तो उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। दो दो बच्चों के की एज का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे कंपैरिजन हम डबल बार ग्राफ से करते हैं। तो ये मैं फिर से एक बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डबल बार ग्राफ को फिर एक बार समझेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 टाइप के ग्राफ्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिस जोन, प्रैक्टिस जोन आ जाता है। तो प्रैक्टिस जोन 1 मैं कल से शुरू कराऊंगा। प्रैक्टिस जोन 1 में 2 क्वेश्चंस हैं, मैं इनको पूरा आपको कराऊंगा, ठीक है। इससे पहले आपका ये वर्क रहेगा आज कि आप इनको पूरा अच्छे से जो डाटा है इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप और ये क्या क्या है इसके अंदर मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस जोन 1 कराऊंगा, ठीक है। ओके।